जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस सीडीपीओ झारखंड का बीपीएससी का या अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भैया करेंट अफेयर बहुत महत्व रखता है, इसीलिए आपके लिए लाया हूं रामबाण। जी हां दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज पहला टॉपिक है वो क्या है, परिवर्तित नाम, यानी जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यानी नाम परिवर्तित है, वो सब लेकर आया हूं। साथ में आपके लिए लाया हूं पीडीएफ, फ्री पीडीएफ है, आप आराम से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालिएगा तो ऐसा होगा, प्रिंट आप थोड़ा सा ये होगा, आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। साथ में से फायदा क्या है, 2020 का भी है, 2021 का भी, जितने भी नाम परिवर्तन पूरा डिटेल डाटा है, साथ में क्वेश्चन है जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में, ठीक है। तो आपके लिए ये पहला सीरीज है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर का सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अब कल्याण सिंह आपको पता है कि जो भूतपूर्व सीएम थे उनका निधन हो गया था और उन्हीं के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, अयोध्या होगा, वाराणसी होगा, पटना होगा या मथुरा होगा। तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, बता देते कैसे। चलिए, इसका जवाब तो होगा अयोध्या, अयोध्या होगा, लेकिन कंफ्यूजन कहां है यहां देखिए, इसका डिटेल में देखिए। उत्तर प्रदेश के उप सीएम है जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मथुरा सड़क का नाम, यानी मथुरा शहर के जो सड़क का नाम कल्याण सिंह रखा। अब यहां पे योगी जी हैं जो सीएम है, अब उन्होंने भी क्या किया, 5 जिलों की एक एक सड़क के नाम को कल्याण सिंह करने का फैसला किया है। जैसे आपका लखनऊ, अयोध्या, प्रयाग, बुलंदशहर, अलीगढ़। अब भैया अलीगढ़ आ गया तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश नाम चेंज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जब से मतलब आजकल नाम इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, कुछ करने को नहीं, जीएस का नहीं हो गया है, मतलब याद करते रहिए। तब यहां पे जैसे कि अलीगढ़ है और उसका नाम रखा गया है हरिगढ़, यानी प्रस्ताव दे दिया गया है जब ही चेंज हो जाए। अच्छा, यही नहीं, और देखिए यहां पे एक और शहर है जिसको बोलते फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक। अब इसका नाम क्या रखने का फैसला किया गया है, इसका किया गया है चंद्रनगर, चंद्रनगर, ठीक। अब एक चीज और भी है, ये हो गया ना, ना एक और नाम दे देते हैं, एक आप देखिए मैनपुरी। अब मैनपुरी का भी नाम एक वहां के ऋषि थे मयन नगर करने का फैसला किया गया है, जल्दी चेंज हो जाएगा, आपको नाम चेंज मिलेगा आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने काकोरी ट्रेन साजिश, साजिश मतलब अजीब लगता है, कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया, यानी नायकों की बात है भैया। यहां देखिए ये जो आप जो देख रहे क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं राजस्थान होगा कि उड़ीसा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा कि बिहार होगा, याद है, मालूम है, मालूम है, हाँ उत्तर प्रदेश होगा। अब आपको पता है कि 1925 में क्रांतिकारियों ने जैसे अस्पाकुल्लाखा, आपका राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने ट्रेन को लूटा था। क्यों लूटा था, हथियार खरीदने के लिए, यानी ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था तो उसी को लूटा था, तो काकोरी स्टेशन पे ही लूटा गया था। और काकोरी स्टेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। तो योगी जी ने कहा है कि भाई नायक थे तो नायक के लिए कांड नहीं एक्शन होगा, यानी जो भैया अंग्रेज जो प्रताड़ित कर रहे थे उसके खिलाफ एक्शन किया गया, तो वही नाम चेंज करने का फैसला किया गया है। यहां पे देखिए 1925 में हुआ था, ये सब मैंने बता ही दिया है तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा जाएगा। तो वही देखिए, अफगानिस्तान तो था, तालिबान उसको पे कब्जा कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक, करने वाला हूं, यही नाम करने वाले हैं ये लोग। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, फिर से तालिबान रहेगा या अफगानिस्तान सरकार बनेगा या क्या होगा आगे, तो बहुत सारा कांड अभी होने वाला है। तो यहां वही बात है, यहां देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर ये करने का फैसला रखा है, लेकिन इनके पास पैसा है ही नहीं, यहां पर देखिए इनको, इनके पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए। आगे फिर देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए
स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? समझ गए? यहां पे देखिए क्या होगा, नीरज चोपड़ा, गणेशी गुप्ता या विकास देसाई, और इनमें से कोई नहीं। और हम समझ गए कि भैया आप भी समझ गए हैं क्या होने वाला है, नीरज चोपड़ा का है, इसके बारे में सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भैया का है। तो यहां पे देखिए भाई कौन किए हैं, ये याद रखिएगा, राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखने का घोषणा उन्होंने किया है। तो भाई स्वर्ण पदक जीते हैं, इकलौता वही थे, हमको ये नहीं समझ में आता कि खुशी मनाए या दुखी मनाए। क्या आप मेरे इससे असहमत है तो जरूर बताइएगा। जनसंख्या में दूसरे नंबर में, क्षेत्रफल में सातवें नंबर में, और एकमात्र ये जो लिखा हुआ है एकमात्र ओलंपिया व्यक्ति जो गोल्ड जीते हैं इस साल, तो इस पे खुश हो या उदास हो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक बस आते हैं नेक्स्ट, अगला, नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नाम बदल, मतलब पुरस्कार का नाम बदल दिया, अब क्या किए हैं, नाम क्या है? तो यहां पे देखिए मीना चानू खेल रत्न, या वल्लभ भाई पटेल खेल रत्न, या ध्यान सिंह खेल रत्न, या इनमें से कोई नहीं। सबको पता है ध्यानचंद खेल रत्न, हम सिंह बोल दिए थे, क्षमा चाहते हैं, हो गया। तो यहां पर आपको पता है कि इनके जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, जादूगर कहे जाते हैं इनका, ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसके बारे में आपको देखिए, इस पुरस्कार में आपको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 के बीच में। तो यहां पर ये है, अगला देखते हैं क्या होगा। ओहो देखिए भाई, किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? अरे भैया मोदी जी से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो आपको याद होगा ही होगा, तो ये आपको याद है, इसमें बोले जरूरी है, मोटेरा स्टेडियम रखा गया है। ठीक, तो मोटेरा स्टेडियम का भाई तीन बार नाम चेंज हुआ है, एक तो मोटेरा एरिया में है, और इसका रखा गया पटेल, पटेल जी पे रखा गया नाम, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेडियम रखा गया नाम, फिर उसके बाद नाम चेंज कर दिया गया, और फिर रखा गया अभी क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, जवाहरलाल, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा है कि अगर आप झारखंड पीसीएस दे रहे ना तो याद रखिएगा, काहे काहे की होगा इसका बिरसा मुंडा। ठीक, देखिए यहां पे भाई बिरसा मुंडा रखा गया है, और 1928 में मुंडा जो विद्रोह हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था उसी के नेतृत्व तो किए थे ये। चलिए नेक्स्ट, अगला आते हैं, भारत सरकार ने किसके नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा स्टेट अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल दिया है? अच्छा, नागपुर में, नागपुर में किसका सरकार है, महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना, तो कौन होंगे यहां पे, बाल ठाकरे, इनके नाम पे ही रखा गया है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कोच्चि कर दिया, तो यहां पे देखिए ट्वी 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 ट्वी, तो भैया देखिए एक चीज, फिर से गुजरात में सरकार है, किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, चिन्ह क्या है उनका, तो कमल, बस ऐसे ट्वी ट्वी यानी कमलम फ्रूट। चलिए अगला आता है, यहां पे भाई झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया? छोड़िए भैया, तो इतना अच्छा से याद रहता था झांसी रेलवे स्टेशन, नाम बदल दिया गया। अब थोड़ा ऑटो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लिखा अब बोलना होगा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जाना किसी को है जी, यानी देख इतना छोटा नाम रखा गया है, इसका जवाब क्या होगा, यही होगा। आते हैं नेक्स्ट, अगला, याद देखिए भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया? त्रिकी, याद रखिए हेमा मालिनी, विद्या बालन, या ऐश्वर्या राय, या नेहा धूपिया, इसका होगा विद्या बालन। देख रहे हैं, यहां पे देखिए जम्मू कश्मीर का जगह है जिसका बारामूला में, ठीक ना, वहीं गुलमर्ग के पास में, वहीं वहीं का रेंज जो है फायरिंग रेंज, उसका नाम रख दिया गया है विद्या बालन।
ऐसे विद्या करण के पति का नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, गोरखपुर, और वहां पे मडुआ डी है, मडुआ डी जाना जाता है आपका डीजल रेल इंजन फैक्ट्री के नाम से, ठीक है ना, मडुआ डी में ही है, उसका नाम भी चेंज हो चुका है, नाम बदल दिया गया क्या, अयोध्या मथुरा बनारस या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहिएगा बनारस। नेक्स्ट आते हैं यहां पर, तो नाम चेंज कर दिया गया था कोच्ची। आगे आते हैं, किस राज्य ने शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा, मतलब रख दिया गया है, कहां पे भाई शूटिंग रेंज का आजकल बहुत चल रहा है, तो आपको एक पता होगा शूटर दादी नाम से फेमस है, उन्हीं का नाम है चंद्रो तोमर, उन्हीं का इसी साल निधन हो गया था, और वो आपको रखा गया, देखिए राजस्थान नहीं गुजरात नहीं, ये होगा उत्तर प्रदेश, ठीक। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, हावड़ा कालका रेल मतलब मेल ट्रेन का नाम बदल दिया गया है, तो उस समय वहां पे चुनाव चल रहा था, तो आपको पता हो गया, समझ में आ गया हो क्या हो गया, क्या नाम रखा गया होगा, ऐसे भी तैयारी होगा, यह है आपका नेताजी एक्सप्रेस, कई चुनाव के समय बहुत सारे परिवर्तन होता है ना, तो ऐसे ही याद हो जाता है, तो नेताजी होगा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, कहा जाता है काहे रखा गया, इसके पीछे रीजन क्या है, तो कहे 1941 में कोलकाता से अपने घर से भागने के लिए नेताजी ने बिहार के गोमो से ये ट्रेन पकड़ा था, यानी बिहार का एक जगह है गोमो, अब शायद झारखंड में हो गया होगा शायद, तो वहीं से पकड़े थे, इसीलिए बोला इसका नाम बदल दीजिए, बोला का रख दिया जाए, तो नेताजी ट्रेन में बैठे थे ना, बोला मैं हाँ इसीलिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अब यही तक था क्वेश्चन, अगर अब मैं बताता हूं पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्या कीजिएगा, एक चीज और भी है, आप अनअकैडमी पे भी आइए, अनअकैडमी पे टेस्ट लेते हैं, फायदा पता क्या है, हम टॉपिक बाय टॉपिक लेते हैं, जैसे अगर इतिहास बोल दिए तो इतिहास ही लेंगे, और बता बता के लेंगे कि भैया आज मुगल लेने वाले हैं, तो आप आ जाइए, फ्री है, कोई पैसा सभी लगता है। उसके बाद अगर आप प्लस में आना चाहते हैं ना, तो प्लस में बहुत फायदा है, जैसे कि आता लाइव क्लासेज, बहुत सारे एजुकेटर, मतलब बहुत फायदा हो चुका है, अब तो आप बोल भी सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान, कहीं भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, तो मतलब कम समय में आप बहुत ज्यादा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये फायदा है आपको अनअकैडमी में प्लस लेने पे। उसके बाद देखिए कोर्स बना दिया जाता है, जैसे बीजे कोर्स, टारगेट कोर्स, जैसे अभी यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हम ही लिए हैं, अभी 5 सितंबर से 6 सितंबर से स्टार्ट भी होने वाला है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको प्लस लेना है ना, तो पहले आप स्पेशल में आ जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं कि आप तुरंत जाकर ट्यूशन डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ये कर लीजिए, और पहले आइए देखिए कैसा लग रहा है, और मुझे पता है कि अच्छा लगेगा, उसके बाद आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर 10% डिस्काउंट चाहिए ना, तो हमारा कोड जरूर लगा दीजिएगा, का नाम है मुकेश कुमार, टन से लगाइएगा, टन से 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और यहाँ पे महीने का, साल भर का, 2 साल का भी ले सकते हैं, और अभी तो ऑफर चल रहा है, क्या 12 महीने का लीजिएगा तो 2 महीने का फ्री चल रहा है, समझ गए, 12 महीने का लीजिएगा तो 2 महीना आपको और ऐसे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये सब फायदा है आपको अनअकैडमी पे। अब बात आते हैं आपके काम का, काम का यही कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मेरा वेबसाइट है, वहां पर जाइए, और वहां पर भी बहुत सारा डाटा आपको मिलने वाला है mukeshsir.com के नाम से, ठीक, ये mukeshsir.com के नाम से आपको साइट है, उसमें बहुत सारे डाटा हम डालते रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन डालते रहते हैं, और नोट्स डाले हुए हैं, आप वहां पे भी आप जा सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक, तो ऐसे मुकेश सर के नाम से ही है, और जीएस के नाम से मुकेश सर जीएस, और वहां पे जाइए और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद।